इतनी सरकारी आईलैंड हक देने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो या सच्चर कमीशन की रिपोर्ट हो। वैसे अगर हम हक के लिए आवाज भी उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हम अपने बच्चों का हक अलग से मानते हैं, किसी शायर ने कहा था कि किसी थके हुए दस्ते तलक से मांगते हैं, किसी थके हुए दस्ते तलक से मांगते हैं, फिर भी इल्जाम है कि हम गजब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। देखिए, सभी ने अपने विचार जाहिर किए और सभी को सभी ने अपने मन की बात यहाँ पे रखी, सभी ने अपने तरीके से कहा। जो भी कोशिश है, जो भी यहाँ पे पहल कर रही है, हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अपने मकसद में कौम के मुस्तकबिल के लिए हम सबको कामयाबी से नवाजे। और मौलाना आजाद विचार मंच के जिम्मेदारों को जिनकी अमीर कह रहा है, उनसे फिर से मुबारकबाद। बड़े माजिला दरखास्त करता हूँ, आए तो कितना रकम करोड़ रखकर काम करते हैं। मौलाना अब्दुल्कलाम आजाद जी चार मंच की ओर से जो एक विशेष धरना आंदोलन अल्पसंख्यक हक के दिन के अवसर पर रखा गया है, तो सबसे पहले भारतीय राज्य गठने से शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तथा महाराष्ट्र राज्य के राजे छत्रपति शिवाजी महाराज सर्व दिवसानिमित्त आपण इथे अल्पसंख्याक समाजासाठी त्यांचे शिक्षण, आरक्षण व संरक्षण या उद्देशाने हे हक आम्हाला मिळाला पाहिजे यासाठी आपण एकत्रित आलो आणि अनेक वर्षापासून आपल्यासोबत आपल्या हाजी मुजम्मिल साहब जे प्रयत्न करत आहे मुस्लिम समाजासाठी, मी त्यांचा खूप खूप आभार व्यक्त करतो। मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की खुदाने उस कौम की हालत नहीं बदली जिन्हें फिक्र ना हो खुद से बदलने का। हमने देखा है कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों ने जो हुकूमत की, उन्होंने जो 150 साल हम पर गुलामी की जंजीरें डाली, तो वो यूं ही जंजीरें नहीं निकली। उसके लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या मागस वर्ग हो, सभी ने जान की, माल की, वक्त की कुर्बानियाँ दी। और जब तक कोई हम चीज़ कुर्बान नहीं करेंगे तो उसका हमको सिला नहीं मिलेगा। और आज भी वही ज़रूरत, अंग्रेजों की भयंकर सरकार, मोदी सरकार हमारे सरों पर नंगा नाच कर रही है। हमें आज़ाद सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। आज डर लगता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा तो क्या होगा। और हम ये देखते आ रहे कि कुछ इससे पहले की सरकार ने हमें शिक्षण में आरक्षण दिया, लेकिन आज वो उसी शिक्षण में जो एक शिष्यवृत्ति मिलती थी अल्पसंख्यक की शिष्यवृत्ति, उसी को भी कम कर दिया गया। उच्च शिक्षण के लिए शिष्यवृत्ति की दी जाती थी, लेकिन आज वो भी खत्म ही करने के मोड़ पर आ पहुँची। तो आज हमें हमारे हक के लिए लड़ना होगा, आज हमें हमारे घरों से निकलना होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मनोज जी संगारे साहब एक छोटे से गांव से, जालना जिले के छोटे से गांव से, उन्होंने आज इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि पूरा महाराष्ट्र तय चुका है। और वो अपने आरक्षण के हक को हासिल करने के एक आखिरी लम्हे में पहुंच चुके हैं। और उनको उनके जो कुंडली समाज करके जो उनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए थे, आज उसकी बोलती होना शुरू हो गई है। और 10 लाख तक का कुंडली समाज है बोलकर ऐसी लोन भी उनकी आ गई है। और उनके वो आरक्षण के मुद्दे में आज वो सक्सेस हो गए, कामयाब हो गए। लेकिन तब जब मनोज जी जंगारे के जैसे लोग उठे और उनके साथ में कि पूरा समाज खड़े हो गया, तो वही जरूरत आज मुस्लिम समाज की भी है। आज देखा जा रहा है कि कला जिले में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ पर कुछ 20-50 लोग हमारे जमा हो रहे हैं। कला तालुके में आंदोलन हो रहा है वहाँ 20-50, आज 20-50 की नहीं, हम महाराष्ट्र के अंदर में 11% लोग है, 11 से 12% मुस्लिम समाज है। तो आज 11% का आप ही अंदाजा लगा लो कि कितने परसेंट लोग अपने हक के लिए रास्तों पर आए, कितने परसेंट लोग अपने हक की मांग कर रहे हैं।
कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये क्यों बैठ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। आज इसकी जागरूकता करना और अपने हक के लिए हमें आज आवाज़ उठाने की जरूरत है, और वो आवाज़ सिर्फ जोश होना चाहिए। आज